लीड से कॉल पे बात कैसे करें। बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लीड से कॉल पे बात करनी नहीं आती। इनफैक्ट वो कॉल पे बात करते समय भूल जाते हैं कि उनको क्या बोलना है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कॉल सामने वाले को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद करनी है। सो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे 7 में हेल्पिंग ब्रदर्स की तरफ से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सामने वाले की परमिशन लेके उनको कॉल करना है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब आगे देखते हैं कि कॉल पे कैसे बात करनी है। आपको सबसे पहले सामने वाले का नाम लेके उनको रिस्पेक्ट के साथ बोलना है। लाइक, हेलो, क्या मेरी सोनू जी से बात हो रही है? अब सोनू जी क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। या फिर हाँ बोलिए। तो आपको कहना है, हाँ तो सोनू जी, क्या ये सही वक्त रहेगा आपसे बात करने का? या तो वो मना कर देगा या फिर कहेगा हाँ हाँ ठीक है। तो अब आपको पूछना है कि सोनू जी, अभी आप क्या करते हो? तो सोनू जी बोलेंगे, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ। मोस्टली आपको ये आंसर मिलेगा। इसके बाद आपको पूछना है, तो सोनू जी आप कितने साल के हो? तो वो बोलेगा, मैं 18 साल का हूँ, 20 साल का हूँ। तो इसके बाद आपको कहना है, ग्रेट यार, वैसे बताओ कि ऐसा क्या कारण है कि आप इतनी कम उम्र में पैसे कमाना चाहते हो? ऐसा सवाल पूछते ही सामने वाला थोड़ा अपने आप में खुश हो जाएगा, वो थोड़ा प्राउड फील करने लगेगा। तो सोनू जी कहेंगे कि मैं अपने खर्चे खुद उठाना चाहता हूँ, मैं फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। अब आपको सामने वालों को अप्रिशिएट करना है। कैसे? देखिए, ऑसम यार, क्या बात है। मोस्टली मेरी स्टूडेंट से ही बात होती रहती है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने माँ बाप के पैसे पर ही ऐश करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं आप जैसे स्टूडेंट्स जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने खर्चे खुद उठाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया यार, ये सोचना आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, बहुत आगे। तो सुनू जी, अब ना मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरा नाम हरीश है और मैं अहमदनगर से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी BBA सेकंड ईयर में हूँ। आप ही की तरह कुछ महीने पहले मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की और थोड़ी सी स्किल्स को सीखने के बाद मैं अभी अपनी पढ़ाई के खर्चे खुद उठा पा रहा हूँ और पढ़ाई करते करते बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रहा हूँ। ओके, तो सुनू जी, मैं अभी मान लेता हूँ कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो को पूरा देखा है। तो आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा? क्या आपको पेमेंट सिस्टम अच्छा लगा? क्या आपको कोर्सेस अच्छे लगे? क्या आपको कमीशन अच्छा लगा? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है? तो सामने वाला आपको इन दो तीन ऑप्शन में से एक आंसर बताएगा। फिर आपको उनसे ये पूछना है कि आपको कौन सा पैकेज सबसे अच्छा लगा। जो सामने वाले को सूटेबल होगा वो बताएगा। देन आपको कहना है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सोनू जी, मैं अभी आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि शाम के 4 बजे से पहले जो भी लोग एनरोल करते हैं उनको 5,000 के बोनसेस फ्री में मिल रहे। अगर आप चाहो तो मैं आपकी सीट कंफर्म करवा सकता हूँ। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग आसपास का टाइम बता दीजिएगा कि जिससे अर्जेंसी क्रिएट हो जाए और सामने वाला जल्दी से जल्दी एनरोल कर ले। अब इसके बाद सामने वाला है तो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देगा या फिर वो आपको ऑब्जेक्शंस देने लगेगा। अब बात करते समय किन किन ऑब्जेक्शंस का आपको सामना करना पड़ता है, उन सारे ऑब्जेक्शंस पर वीडियो आपको बैक टू बैक मिलती रहेगी। अगर आप अभी हमारे साथ मिलिया ट्रैक की शुरुआत करना चाहते हो, पर्सनल मेंटरशिप में आना चाहते हो, तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। और सबसे मेन बात, जो आपको व्हाट्सएप नंबर मिला है प्लीज़ उस पर कॉल मत करना, क्योंकि वो हमारा पर्सनल नंबर है, इसलिए आप सिर्फ हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए। टाइम टू टाइम प्री ट्रेनिंग्स के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लेट्स लर्न विद हेल्पिंग ब्रदर्स।